इसी कार्यकाल के पहले बजट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का ये बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। युवाओं की शिक्षा व रोजगार के लिए बेहतर विकल्प दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला यह बजट है। केंद्रीय बजट आ गया है मोदी जी का 3.0 बजट और लोगों के लिए कितना फायदेमंद वो बजट होगा इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे। सर, बजट आया हुआ है देश भर का बजट, कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है इससे? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है वो स्पष्ट रूप से इस बजट में दिख रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी का ध्यान इस बजट में रखा गया है, न केवल सैलरीज्ड लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये विकसित भारत के संकल्प का बजट है और आने वाले समय में इसका असर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ ने कोई प्रस्ताव भेजा था क्या, उस पर भी कुछ विचार हुआ है कुछ खास जो सीधे तौर पर फायदा? देखिए, केंद्र सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ को सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ को भरपूर सहयोग केंद्र सरकार से मिलेगा। अलग अलग विभागों के बजट होंगे और अलग अलग योजनाओं से पूरा सहयोग केंद्र सरकार का मिलने वाला है। युवाओं को फोकस किया गया है, चाहे रोजगार की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो, लोन देने की बात की जा रही है, इसके साथ ही जो श्रमिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको भी बेहतर करने की बात कही जा रही है इसमें। हाँ, निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रावधान इस बजट में किया है ताकि हमारा आम व्यक्ति खुशहाल हो, समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो। और जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, आगे बढ़ेंगे, सक्षम बनेंगे, तभी हमारा देश सक्षम बनेगा। और ये समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट निर्माण हुआ है। सबका साथ सबका विकास का ये बजट है, तो निश्चित रूप से ये विकसित भारत के संकल्प का बजट है। विकसित भारत 2047 का जो है वो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं नजर आता है छत्तीसगढ़ के साथ, क्या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदेमंद होने वाला है? निश्चित रूप से जब आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है, मदद कर रही है, तो निश्चित रूप से विकसित भारत में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी और मजबूत भूमिका होने वाली है। बिल्कुल, ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा। दो साल बाद किसी फिल्मी कहानी का नाम नहीं है ये, बल्कि कत्ल की वारदात है जिसमें हत्यारा ही फरियादी है। हत्यारे ने जिसका कत्ल किया उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। देखिए मर्डर की उलझी गुत्थी। पेड़ पर लटकती लाश, मेरे बेटे का कातिल कौन है? दो साल बाद हत्यारा बेनकाब, वो कातिल भी फरियादी भी। दो साल से ये हत्यारा जो काले नकाब में है पुलिस वालों को चकमा दे रहा था, पुलिस वालों को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी गुमराह कर रहा था, जिसके सीने में दो साल से कत्ल का राज था। बालाघाट के बिरसा थाना इलाके के मझरदा चौकी के गांव धर्मशाला में करीब दो साल पहले 13 जून 2022 को एक लाश मिली थी। 30 साल के जयराम का कत्ल हुआ था, इसी हथियार से उसकी हत्या की गई। कत्ल के बाद लाश को घर के पीछे किसी ने पेड़ पर लटका दिया था। दिनांक 13/6/22 को सुबेदार पिता चैतू मरकाम, निवासी धर्मशाला, थाना बिरसा ने थाने में इस आशय की सूचना दिया कि उसके लड़के जयराम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करके उसके घर के पीछे नाले के गर्रा के पेड़ में लटका दिया गया है और उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिस पर थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 142/22, धारा 302/201 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। अब सुनिए इस हत्यारे की गुमराह करने की पहली कहानी, जिसने खुद जयराम के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई। कातिल खुद थाने गया, जिसने पुलिस वालों को बताया पेड़ पर लाश लटकी है, लेकिन यह सुसाइड नहीं कत्ल है।
क्योंकि मृतक जयराम के जिस्म पर चोट के कई निशान थे। दो साल से हत्यारे की रिपोर्ट पर ही कत्ल की तफ्तीश हो रही थी। पुलिस के सामने कातिल था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जिस पर मृतक के पिता सूबेदार मरकाम ने बांस के डंडे लोहे लगे हुए उससे मारपीट कर दिया, जिससे जयराम की मृत्यु हो गई और साक्ष्य की छिपाने के गरज से अपने घर के पीछे गर्रा के पेड़ में उसको टांगने का प्रयास किया था। आखिर ये हत्यारा कौन है? इसका जयराम से रिश्ता क्या है? क्यों कातिल मृतक जयराम को इंसाफ दिलाना चाहता था? आरोपी का नाम है सूबेलाल, उम्र 52 साल। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मृतक जयराम आरोपी सूबेलाल का बेटा है। पिता सूबेलाल ने गुस्से में आकर बेटे की बेरहमी से हत्या की, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया, फिर गढ़ी झूठी कहानी। बेटे के आतंक का द एंड। बेटे की लत, तबाह हुआ परिवार, फंदे में रिश्ते। खुलासा इस प्रकार हुआ है कि जयराम शराब पीने के लिए बार बार अपने घर वालों से पैसा मांगता था, नहीं देने पर घर में मारपीट और तोड़फोड़ करता था। घटना दिनांक को भी मृतक जयराम का इसी संबंध में उसके पिता सूबेदार सिंह से विवाद हो गया, जिस पर मृतक के पिता सूबेदार मरकाम ने बांस के डंडे लोहे लगे हुए उससे मारपीट कर दिया, जिससे जयराम की मृत्यु हो गई और साक्ष्य की छिपाने के गरज से अपने घर के पीछे गर्रा के पेड़ में उसको टांगने का प्रयास किया था। जयराम की शराब की लत और उसके जुल्म और सितम से पूरा परिवार परेशान था, जिससे छुटकारा पाने के लिए एक पिता कातिल बन गया। बालाघाट से श्रीनिवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिरफिरा कहें या फिर साइको, जिसकी सनक ने महिलाओं और पुलिस वालों को भी हैरान करके रख दिया। ये साइको इलाके की रैकी करता है, लेकिन किसी घर में लूट नहीं करता, ना गैंग के साथ मिलकर डाका डालता है, बल्कि ये इसे तलाश है किसी खास चीज की। आखिर क्यों इस सिरफिरे से महिलाएं हैं परेशान, देखिए रिपोर्ट। ना उसे खजाने की तलाश, ना करे वो नोटों पर हाथ साफ, घर में नहीं करता वो सेंधमारी, बैंक में नहीं डाला उसने डाका, अजब है उसकी सनक। सिरफिरा अंडरगार्मेंट चोर, इस सीसीटीवी की नजर से देखिए। बाइक पर आ रहा नीली शर्ट पहना ये शख्स वारदात करने जा रहा है, रैकी करने जा रहा है, लेकिन ना तो इसे लूट करना है, ना ही किसी के घर में डाका डालना है। तो सवाल है कि आखिर ये सिरफिरा करने क्या जा रहा है? इस सीसीटीवी फुटेज ने ना सिर्फ लोगों को हैरान करके रख दिया है, बल्कि पुलिस भी इस अजीबोगरीब सनक को देखकर हैरान है। अब देखिए, ये शख्स इस इलाके में पहुंचा जहां कुछ घर है, मोहल्ले की गलियों से गुजरा, घरों के सामने से भी गुजरा। आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसने वारदात कर ली है। चलिए फिर से आपको दिखाते हैं। ये किसी घर में नहीं घुसा, बल्कि घरों के बाहर रस्सी पर सूख रहे कपड़ों को चुराता है, वो भी महिलाओं के अंडरगार्मेंट को। लोग जब कपड़े उठाते तो अंडरगार्मेंट गायब मिलते, सब हैरान थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस साइको चोर का राज खोल दिया। कोंडा गांव के केशकाल नगर के बोर गांव का ये मामला है। लगातार हो रहे अंडरगार्मेंट चोर से मकान मालिक, किराएदार सब परेशान थे। मामला पुलिस तक पहुंचा। जिस तरह कोई पेशेवर अपराधी या कहीं चोर अपने खजाने के राज को दफन कर देता है, कहीं जमीन में, कहीं घर में, कहीं जंगल में, तो इस साइको ने भी ऐसा ही किया। अपनी सनक का राज इस जंगल में दफन किया। नीलगिरी का ये जंगल है, पुलिस को यहीं से इनपुट मिला था। अंडरगार्मेंट चोर ने यहीं चोरी करके अंडरगार्मेंट छुपाए थे। जंगल में टहनियों पर अंडरगार्मेंट्स लटके हुए थे। सवाल यह है कि इस सनक के पीछे की कहानी क्या है? ये चोर कौन है? कब से इसके सिर पर ये भूत सवार है और क्यों सवार है? तो अब अगली वारदात ना हो, इसके लिए अंडरगार्मेंट चुराने वाले चोर का सुराग पुलिस के हाथ कब लगेगा? कोंडा गांव में विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।